हाय फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है स्टफ चीज गार्लिक ब्रेड। तो चलिए इसे हम कैसे बनाएं तुरंत देखते हैं। स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम ईस्ट को घोल लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 150 ml पानी। इसे हम डालते हैं बोल में। ये मैंने यहाँ पे इंस्टेंट ईस्ट लिया है, 7.5 ग्राम्स, अराउंड 1.5 चम्मच इंस्टेंट ईस्ट है। इसे हम डाल देते हैं। यदि आपके पास इंस्टेंट ईस्ट नहीं है तो आप ये एक्टिव ड्राई ईस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जो पानी है वो गुनगुना होना चाहिए, और इसे हम फर्मेंट होने के लिए 15 से 20 मिनट रखते हैं। बट जो इंस्टेंट ईस्ट है इसे हम नॉर्मल पानी में घोल सकते हैं, और इसे हमें रखना नहीं होता, हम इसे तुरंत ही यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालते हैं 25 ग्राम यानी कि 5 चम्मच पिसी हुई चीनी। आप नॉर्मल चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। और ईस्ट को और चीनी को बिल्कुल अच्छी तरीके से हम एक बार मिक्स कर लेंगे। ईस्ट को मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और अब इसमें हम डालते हैं मैदा। और अब इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच नमक, और सभी को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने डो को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और हमें बिल्कुल सॉफ्ट और स्टिकी डो तैयार करना है। तो इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच पानी डालते हैं, और डो को हम 10 मिनट तक के लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से नीट कर लेंगे। और इसी समय इसमें हम डाल देते हैं कटे हुए लहसुन, क्योंकि हम यहाँ पे गार्लिक ब्रेड बनाने जा रहे हैं। तो हम 1 से 1.5 चम्मच कसे हुए लहसुन डाल देते हैं, और 1 चम्मच हम ऑरिगेनो भी डाल देंगे। और सभी को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से 10 मिनट तक के लिए नीट कर लेंगे, जिससे कि डो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। डो को नीट करने के लिए हम इसे काउंटर टॉप पे रखते हैं, और हील का यूज़ करते हुए हम इसे 10 मिनट तक के लिए नीट करते हैं। डो को नीट करते हुए 10 मिनट हो गया है, और अब इसमें हम डालते हैं तेल। हम इसमें पहले 2 चम्मच तेल डालेंगे। मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है, और डो को बिल्कुल अच्छी तरीके से नीट करेंगे। अच्छा है तो ऑलिव ऑयल की जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, स्मूथ और सॉफ्ट डो बिल्कुल तैयार हो गया है, और अब इसे हम रखते हैं बोल में, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और लगा देते हैं, और डो को हम क्लिंग रैप से रैप कर देते हैं, और इसे हम 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं, जिससे कि ये पूरी तरीके से साइज़ में डबल ना हो जाए। जब तक डो हमारा सेट हो रहा है, तब तक इधर हम बटर का मिक्सचर भी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है फ्रेश पार्सले, ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। पार्सले को मैंने चॉप कर लिया है, अब चलिए इसे हम बटर के संग मिक्स कर लेते हैं। बटर मिक्सचर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 50 ग्राम मेल्टेड बटर, और इसमें हम डालते हैं चॉप्ड पार्सले, और जो बचे हुए चॉप्ड गार्लिक हैं उसे भी डाल देते हैं। तो स्टफ गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए हमारा बटर मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है, और अब चलिए हम गार्लिक ब्रेड बनाना स्टार्ट करते हैं। 45 मिनट्स हो गया है, और आप देख रहे हैं जो डो है वो पूरी तरीके से फूल गया है, और अब इसे हम चलिए खोलते हैं, और इसे हम पंच करेंगे, और डो को हम बोल से बाहर निकाल लेते हैं। डो को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट को हम रखते हैं, और दूसरे पार्ट को हमें बेलना है, तो हम लगाते हैं सूखा मैदा, और डो को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से सूखे मैदे के संग लपेट लेते हैं, और अब इसे हम बेलना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आटे को मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से रोल कर लिया है, और अब इसके ऊपर हम लगाते हैं बटर का मिक्सचर। इसे हम अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। बटर के मिक्सचर को मैंने अच्छी तरीके से फैला दिया है, और अब हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं स्टफ गार्लिक ब्रेड। तो इसमें हम स्टफिंग डालते हैं, चॉप ब्लैक ऑलिव्स, और हम डालते हैं कुछ ग्रीन ऑलिव्स,
और अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से बॉइल्ड स्वीट कॉर्न कर्नल्स। और अब इसमें हम डालते हैं ग्रेटेड मोजरेला चीज। ये आप जैसा खाना पसंद करते हैं उतना ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब हम इसे इस साइड से फोल्ड कर लेते हैं और इसके एजेस को बिल्कुल अच्छी तरीके से हम स्टिक कर लेंगे। अब इसे हम रखते हैं एक बेकिंग डिश में। हम इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क देते हैं और अब इसके ऊपर हम फिर से लगाते हैं बटर का मिक्सचर और ऊपर से हम डालते हैं थोड़े से चिली फ्लेक्स और इटालियन मिक्स हर्ब्स। और इसके ऊपर हम नाइफ से इम्प्रेशन दे देते हैं। हमें सिर्फ हल्का इम्प्रेशन देना है, कट नहीं करना है। चलिए इसे हम बेक करते हैं। बेक करने के लिए मैंने अवन को 200 डिग्री पर रख कर प्री हीट कर लिया है और अब हम अवन में इसे 200 डिग्री सेल्सियस पर रखकर 15 मिनट्स तक के लिए बेक कर लेते हैं। 15 मिनट हो गया है। चलिए स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड हमारा बेक हो चुका है। अब इसे हम अवन से बाहर निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टफ गार्लिक ब्रेड बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे हम पीसेस में कट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ना स्टफ गार्लिक ब्रेड बनाना कितना आसान है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नई रेसिपीज देखने के लिए आप बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए।